दोस्तों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वो जानकारियाँ देते हैं जो आप किसी दूसरे चैनल पर कभी नहीं पा सकते, और यही इस चैनल की खासियत भी है। ये मेरा चैलेंज है कि जो इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगे वो आपको किसी दूसरे चैनल पर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में आज से 200 साल पहले होने वाली चंद ऐतिहासिक घटनाओं से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आज से 200 साल पहले यहाँ होने वाली चंद बड़ी हत्याओं और साजिशों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पहली घटना सन 1790 ईस्वी में घटित हुई थी। सन 1790 में यहाँ पहला शिया सुन्नी दंगा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। दंगे के बाद हुए खुलासे में यह पता चला कि उस जमाने में मोहम्मदाबाद में जो लोकल अधिकारी तैनात था वह शिया था, तथा मुबारकपुर के शियाओं, जिन्हें आज से करीब 250 साल पहले मुबारकपुर के शेख जमींदारों ने अवध के शिया नवाबों से अपने गहरे ताल्लुकात के चलते मुबारकपुर में बुलवा कर बसाया था, उन्हीं शिया तबके के लोगों को मोहम्मदाबाद का यह अधिकारी लगातार भड़का रहा था, जिसके कारण यह दंगे हुए थे। सन 1801 में आजमगढ़ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। सन 1810 में एक बार फिर मुबारकपुर में शिया सुन्नी झगड़ा हुआ। इस लड़ाई में नक्कू शाही नामक एक व्यक्ति घायल हो गया था। सन 1813 का मुबारकपुर का विध्वंसकारी सांप्रदायिक दंगा, इस संघर्ष, आगजनी और लूटपाट के चलते 9 दिनों और 9 रातों तक संपूर्ण मुबारकपुर जलता रहा। इन दंगों में रिखाई साहू और उसके साथ साथ बेहिसाब लोग मारे गए। लेखक ने इन दंगों का विश्लेषण करने के बाद इसे स्थानीय हिंदू साहूकारों की बढ़ती जिद और मुबारकपुर के जमींदारों की बहादुरी को इंगित किया। लेखक ने इस विध्वंसकारी उपद्रव का विश्लेषण करने के बाद बताया कि यह इलाका 9 दिनों तक युद्धों और लूटपाट की चपेट में रहा। लेखक आगे लिखता है कि आज से 200 साल पहले किसी एक अज्ञात तारीख को मुबारकपुर के एक ब्राह्मण ने किन्हीं कारणों से आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह साल 1813 के कुछ समय बाद किसी अज्ञात तारीख को एक गाय की हत्या कर उसके सर को किसी ऊंचे स्थान पर किसी ने रख दिया था, जिसने बाद में एक दंगे का रूप ले लिया। बाद में हुई जांच में पता चला कि इन दंगों के पीछे उस समय के ब्रिटिश अधिकारियों का हाथ था, जिनकी तैनाती उस समय मुबारकपुर में ही थी। लेखक आगे लिखता है कि सन 1830 के आसपास किसी अज्ञात तारीख को मुबारकपुर में कतवारू शाही नामक एक दर्जी रहता था। वह किसी मकान में चोरी करने के दौरान पकड़ा गया और मार डाला गया। लेखक आगे बताता है कि इसी दौर की किसी एक अज्ञात तारीख को मुबारकपुर के पहलवानों की दो टीमों में झगड़ा हो गया, जिसमें अली शाही नामक एक पहलवान की मौत हो गई। सन 1832 को मुबारकपुर में डाका जनी की बड़ी घटना हुई। मुबारकपुर के एक बड़े साहूकार के घर पर हमला करते समय कई डकैत पकड़े गए और मार डाले गए। लेखक ने इस कामयाबी के लिए मुबारकपुर के जमींदारी सेनाओं और कस्बावासियों की बहादुरी की तारीफें की। इसी तरह से सन 1834 में मुबारकपुर के पंजे शरीफ नामक जगह के पास किसी शरारती तत्व ने खिंजीर को मारकर फेंक दिया था, जिसकी वजह से लोगों में भयंकर आक्रोश व्याप्त हो गया। इस घटना की जांच करने के लिए जब सुखलाल सिंह नामक एक बरकंदाज, जिसे स्थानीय भाषा में सिपाही कहा जाता था, जब वह पहुंचा तो कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर तलवारों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सुखलाल सिंह के शरीर पर तलवारों के कई गहरे घाव मिले थे। इस घटना के ठीक एक साल बाद यानी सन 1835 में इसी तरह की एक घटना घटी, जब मुबारकपुर के एक चौक पर किसी ने मरी हुई खिंजीर को फेंक दिया था। उस वक्त के थानेदार मिर्जा वली बेग ने तत्काल उस मरे हुए जानवर को उस जगह से हटवा दिया, जिसकी वजह से मुबारकपुर एक बार फिर से जलते जलते बच गया। सन 1834 से 1841 तक मुबारकपुर के थानेदार के रूप में मिर्जा वली बेग का कार्यकाल एक सफल कार्यकाल माना जाता है। सन 1842 को मुबारकपुर में मुस्लिम और हिंदू साहूकारों के बीच हुए टकरावों में बिच्छुक शाही नामक एक साहूकार मारा गया। बिच्छुक शाही के मौत के बाद हुए दंगों में भी बहुत सारे लोग मारे गए। सन 1849 में मुबारकपुर के पहलवानों के दो टीमों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें डोमा शाही नामक एक पहलवान की मौत हो जाती है। साल 1849 के ही किसी अज्ञात तारीख को मुबारकपुर में करीमा शाही नामक एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल जाती है। करीमा शाही की हत्या कर उसके सारे गहने डाकुओं द्वारा लूट लिए गए थे। सन 1850 को मुबारकपुर में फिर से डाकाजनी की घटना होती है। डाकुओं के एक बड़े गिरोह ने नगर के एक बड़े महाजन व साहूकार के घर पर हमला किया। नगरवासियों की भीड़ ने इन डाकुओं को घेर लिया और डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया, तथा डाकुओं का बहुत दूर तक पीछा किया गया। इस मामले में लेखक ने कस्बावासियों की एकजुटता व बहादुरी की तारीफें की। सन 1850 के ही आसपास मुबारकपुर में तैनात
तिलंगा शाही नामक एक सिपाही ने मुहर्रम में हो रहे मातम के दौरान किसी कारणवश आत्महत्या कर ली। इसी क्रम में साल 1851 में बकरीदू शाही नामक एक व्यक्ति की कबड्डी के खेल के दौरान हत्या कर दी जाती है। इसी तरह से 1851 ईस्वी के आसपास मुबारकपुर में अमानुल्लाह हज्जाम नामक एक व्यक्ति की हत्या उस समय कर दी गई जब वह किसी के घर में चोरी करने की नीयत से घुसा था। इसी तरह से मुबारकपुर कस्बे में साल 1851 के आसपास फकरुद्दीन शाही नामक एक व्यक्ति रहता था जिसने एक खिंजीर को मारकर जामा मस्जिद के पास फेंक दिया था, जिसके कारण यहाँ दंगे शुरू हो गए। हालांकि फकरुद्दीन शाही की इस करतूत का बाद में खुलासा भी होगा। फकरुद्दीन शाही के साथ बाद में फिर क्या हुआ इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह एक लंबा टॉपिक है जो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। साल 1857 में मुबारकपुर वासियों को दूसरे क्षेत्रों के विद्रोहियों द्वारा बार बार धमकी दी गई, लेकिन यहाँ के नगरवासियों और जमींदारों की पहले से की गई तैयारियों और चेतावनियों के कारण मुबारकपुर पर कोई भी हमला नहीं हो सका। लेखक ने मुबारकपुर को इन हमलों से बचाने के लिए मुबारकपुर वासियों की अपार बहादुरी और यहाँ के शेख जमींदारों के साहसिक नेतृत्व की तारीफ की। साल 1877 में मनोहर दास अग्रवाल द्वारा कस्बे के अंदर एक मंदिर के निर्माण पर लंबे समय से चला आ रहा विवाद का निपटारा हुआ और कस्बा परंपरा का बचाव हुआ। साल 1860 से 1880 के बीच जामा मस्जिद, राजा मुबारक शाह, इमामबाड़ा आदि चीज़ों की मरम्मत की गई और इसका विस्तार हुआ तथा सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और कस्बा परंपरा का सम्मान किया गया। साल 1893 के बकरीद के मौके पर मुबारकपुर वासियों और बलिया और गाजीपुर के गौरक्षकों के बीच काफ़ी लंबे समय तक तनाव बना रहा। साल 1904 में मुबारकपुर का इलाका एक बार फिर दंगों की चपेट में आया है। इस दंगे को सन 1813 के बाद होने वाले दंगों में सबसे भयानक दंगों के रूप में दर्ज किया गया। सन 1904 के दंगों पर आगे चलकर विस्तार से वीडियो बनेगा। तो यह रही वह चंद ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने मुबारकपुर के इतिहास को बदल कर रख दिया। अगर आप मुबारकपुर और आजमगढ़ के जिले के बारे में ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं से रूबरू होना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।